महाराजगंज में इंटर परीक्षा में 8,486 अभ्यर्थी शामिल हुए। दो आदर्श परीक्षा केंद्र, दो पालियों में हो रही परीक्षा, 41 केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट। इंटर वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है, इसमें 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। सिवान में 41 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी हो रहे हैं। सिवान सदर अनुमंडल में 34 परीक्षा केंद्र, दो पालियों में होने वाले 46,171 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें छात्रों की संख्या 22,610 छात्राओं और 23,561 है। महाराजगंज में 8,486 परीक्षार्थी इंटर में शामिल हो रहे हैं। सभी केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। महाराजगंज में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एसडीएम रोचना माधुरी ने बताया कि कला में 3,217, विज्ञान में 5,155, वाणिज्य में 71 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों की आसानी पास धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराजगंज में 2 आदर्श परीक्षा केंद्र, गोरख सिंह महाविद्यालय और RBGR कॉलेज को बनाया गया है। SDM रोचना माधुरी और DSP राकेश कुमार रंजन ने इंटर की परीक्षा के सभी 7 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जा सके। परीक्षा को लेकर शहर में परीक्षार्थी के चलते भीड़ बढ़ गई है। DSP राकेश कुमार रंजन ने ट्रैफिक व्यवस्था को कड़ाई से पालन करा रहे हैं और साथ ही परीक्षा खत्म होने के समय नो एंट्री लागू कर दी जा रही है ताकि परीक्षार्थी को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। खुद अपने मुस्तैदी से निगरानी कराई जा रही है। परीक्षार्थी को लेकर शहर में गुलजार हो गया है। छात्राओं के लिए स्थायी टेंट रूम का निर्माण किया गया है। इसमें महिला वीक्षक और द्वारा तलाशी के बाद परीक्षा हॉल में जाने दिया जाएगा। फिलहाल परीक्षा समिति की तरफ से इंटरमीडिएट की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। वहीं पर देखा जाए तो हम इस समय सिवान जिले के महाराजगंज में स्थित हैं और सिवान जिले में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए, एक महाराजगंज मुख्यालय और एक महाराजगंज मुख्यालय में 7 केंद्र हैं। और वहीं देखा जाए सिवान में मुख्यालय में भी केंद्र है। वहीं पर देखा जाए तो DM मुकुल कुमार गुप्ता के निर्देश पर महाराजगंज के SDO रोशना माधुरी और DSP राकेश कुमार रंजन यहाँ पर कमर कस चुके हैं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए। और देखा जाए तो हमेशा परीक्षा केंद्र पर जा के निरीक्षण कर रही है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। और वहीं देखा जाए तो महाराजगंज पर महिलाओं का सेंटर और यहाँ पर 8,500 के लगभग करीब परीक्षार्थी जो हैं यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं गोरख सिंह सेंटर पर जहाँ पर आदर्श केंद्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं पर देखा जाए तो महाराज में 2 आदर्श केंद्र है, एक गोरख सिंह कॉलेज और एक है RBGR कॉलेज सेंटर बनाया गया है। और इस समय हम गोरख सिंह कॉलेज के पास में हैं और यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र पर देख सकते हैं कि तत्काल सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स की व्यवस्था तैनाती है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न। इंटर की परीक्षा हो रही है और सभी जगह बिल्कुल फ्री एंड फेयर और पीसफुल एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं। मैं हमारी भी पूरी तरह से मुस्तैद है, जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड और ये लगातार विजिट कर रहे हैं, फोर्स भी है, मजिस्ट्रेट्स की भी डेपुटेशन है और मुझे सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं परीक्षा सफल होने के लिए।